यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू प्ले गेम एंड अदर वीडियोस। तो गाइस रिसेंटली ही हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा है किस तरीके से हमने इन्फिनिटी एफएक्स 50 गाड़ी को किस तरीके से हमने रेस के अंदर उतारा और उस गाड़ी के क्या क्या फीचर्स थे। मैंने साहब उसको आपको डिटेल के अंदर बताया था कि BMW के अंदर और ओडी के अंदर, इसके अलावा और जितनी भी फरारी गाड़ियाँ हो गई, जितनी भी हमारी फेमस कार्स जो होती हैं उनको मैंने वर्सेस इन्फिनिटी एफएक्स से मैंने जो है वर्सेस करा और इसके अंदर मैंने आपको फ़र्क दिखाया कि क्या फ़र्क था, एक्सीलरेशन इसका कितना था और कमाल की गाड़ी थी, यही गाड़ी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एफएक्स 50 की। तो यार इस गाड़ी ने एंड कर दिया था और इसका कलर देखें कितना प्यारा करा हुआ मैंने, ब्राउन कलर इसका करा हुआ मैंने और इस पर मज़ीद और कलर भी मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है और आज भी मैं इसी गाड़ी का ही यूज़ करने वाला हूँ। इस गाड़ी का मैंने यूज़ पिछली वीडियो के अंदर भी करा और इसी गाड़ी का यूज़ मैं आज भी करने वाला हूँ, और जिसने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आज इस वीडियो के अंदर समझ जाएगा कि यार इन्फिनिटी एफएक्स गाड़ी क्या चीज़ है और क्या करने वाली है इस रेस के अंदर ये। तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, तो इसके अलावा अगर आपने देखना चाह रहे तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी 3 प्लेलिस्ट और चल रही है मेरे GTA चैनल फन पे, तो अभी तक आपने उन तीनों जो प्लेलिस्ट है उनको आपने एक्सेस नहीं करा तो जल्दी जाके एक्सेस कर लें। और GTA Vice City गेम मेरा चल रहा था उसके अंदर मैंने क्या करा था, पूरा Vice City गेम की आज़ादी कराई है, फर्स्ट से लेकर एंड तक मैंने गेम को कंप्लीट खेला है और पूरी सारी वीडियो मैंने उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दी। और अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट को जाके देख लें। इसके अलावा मेरा एक और गेम चल रहा है सिटी ड्राइविंग मैं गेम खेल रहा हूँ, अगर आपने वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो वो भी कर लें। और इसके अलावा मेरी एक और प्लेलिस्ट चल रही है बुलेट सिटी गेम की, उसके अंदर स्नोकर खेल रहा हूँ। अगर आपने टाइम पास करने के लिए आपको गेम चाहिए तो आप बुलेट सिटी गेम को खेलना ना भूलें, क्योंकि वो टाइम पास गेम है, बिल्कुल मतलब अच्छा है, टाइम आपका बिल्कुल पास करेगा और आपको मज़ा आएगा, आपको बोरियत होगी नहीं उस गेम के अंदर। उसकी वजह यह है स्नोकर हर किसी को पसंद है, तो अगर मैं बात करूँ स्नोकर की तो हर किसी को ज़्यादा पसंद है, उसके अरबों खरबों के अंदर लोग फ़ैन हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं इसी गाड़ी की बात कर रहा था इन्फिनिटी एफएक्स की, तो मैं इसी को प्ले करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके कमाल और इसके फीचर्स। तो मैं कैरियर पे जाऊँगा, कैरियर पे जाने के बाद मेरे अभी तक 35 जो है स्टार कंप्लीट हो गए हैं और मेरे को चाहिए एक 110 जो है मेरे को स्टार्स चाहिए अपना सेकेंड सीज़न ऑन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ, प्ले करने के बाद आ जाऊँगा अपनी रेस के ऊपर। और मैंने देखे हैं लास्ट टाइम जो रेस करी थी वो करी थी अपने Sector 8 के अंदर, मेरे को 5 स्टार मिल गए थे। और आज मैं जो रेस करने जा रहा हूँ वो है मार्केट सिक्योर के अंदर, मार्केट स्क्वायर के अंदर मैं अपनी रेस करने वाला हूँ। और ये रोड बिल्कुल कमाल का लग रहा है भाई मेरे को ये। और न्यू रेस मैं अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ Class D की, और इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यही गाड़ी मैं यूज़ करूँगा, कलर भी यही रखूँगा इसका, और स्टार्ट रेस करके पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मेरे को पहुँचना है। और यहाँ पर जो है मार्केट स्क्वायर की रेस स्टार्ट होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लेगी, लोडिंग हो रही है, इसके बाद 6 बंदे होंगे हमारी रेस के अंदर। और लेप्स इसका 1 होने वाला है, नाइट्रो डिस्टेंस जो इसका 50 मीटर्स होने वाला है, और फिनिश रेस करनी है मेरे को भाई। और मेरे को इसी वीडियो के अंदर भी 5 स्टार चाहिए जैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर भी लेता आया हूँ।
यार आपने इन्फिनिटी FX50 का कमाल तो देख ही लिया होगा, जो अभी तक देखा 3rd नंबर पे देखे, अभी तक वो गाड़ी कंप्लीट अभी तक रेस पे पहुंची नहीं है और अब जाके पहुंची, और इससे नीचे वाले देखे अभी तक भी चल रहे हैं, इससे नीचे वाले की अगर बात करूं अभी तक चल रहे हैं, और मेरी गाड़ी के अंदर और इनकी गाड़ी की स्पीड के अंदर और डिस्टेंस चेक करा आप कितना आ रहा है रेस के अंदर, जहाँ पर हमारी रेस का एंडिंग था जो था वहाँ पर मेरे पहुँचने में और दूसरी गाड़ी के पहुँचने में एंडिंग डिस्टेंस चेक करा आप कितना पहुँच गया हमारा, और ओडी R8 e-tron चला रहा था दूसरा बंदा हमारा, उसके बावजूद भी ये ओडी गाड़ी अलग अलग एक नामवर गाड़ी है ओडी R8, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, वो गाड़ी मैंने सेकंड रेस जो थी मेरी सेकंड लेवल जो था उसके अंदर मैंने उसी गाड़ी का 3rd लेवल के अंदर उसी गाड़ी का यूज़ करा था ओडी R8 का, फिर भी मैं जीता था। बात होती है असल में चलाने वाले बंदे की कि चला किस तरीके से, माना कि मैंने 3-4 दफ़ा ठोकी है, बट ये कि गाड़ी की थोड़ा काम दिखा रहा, थोड़ा चलाने वाला बंदा काम दिखा रहा, अनाड़ी बंदा भाई नहीं खेल सकता, ये इतनी हेवी गाड़ी होती है ये, तो स्पीड इन गाड़ी की ज़बरदस्त होती है, और इस गाड़ी के मैंने एक्सेलरेशन देखे कितना है, उनका टॉप स्पीड कितनी है, तो नेक्स्ट करके पहुंच जाता हूं मैं आपको दिखाता हूं आगे कितना क्या क्या हमको रिवार्ड मिल चुका है। तो अभी तक आप तो इन्फिनिटी गाड़ी को समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है इन्फिनिटी FX50, तो उम्मीद है कि आप भी ये गाड़ी को परचेस करेंगे, और ज़्यादा गाड़ी की ज़्यादा कीमत है नहीं इस गाड़ी की, $30,000 इस गाड़ी की कीमत है, और नेक्स्ट रेस हमारी होने वाली है इस गाड़ी के साथ Cadillac ATS गाड़ी के साथ होने वाली है, Cadillac ATS गाड़ी 800 कॉइन के अंदर 8,000 कॉइन के अंदर इसको परचेस करने वाले, और नेक्स्ट ही वीडियो के अंदर हम इसको परचेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, और मेरे चैनल GTA Fun कर देना सब्सक्राइब। गुड बाय।